नीति जो खबर रहा है हमारे देश में, ये आटा लग रहा है। ये हमारे भाई साहब, हेलो, ये हमारे साले साहब आटा लगा रहे हैं। ये भाई साहब, मैं रीवा जिले को किसी भी कीमत पर बिहार नहीं बनने दूंगी और हम लोग उस बिटिया को जब तक न्याय न मिले पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ेंगे। लड़के थे वो उनके पास आए, जो पति है उसके साथ मारपीट करके उसको अलग ले गए हैं, और जो महिला है उसके साथ फिर तीन चार लोगों ने उसमें गलत काम किया है, और जिसके आधार पे, और उसके बाद पीड़िता ने ये भी बताया कि उसका वीडियो बनाया है और उसको वायरल करने का भी धमकी दिया। और स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग संस्थान, नर्सिंग में थर्ड रैंक देने वाला रीवा का एकमात्र संस्थान, पता सिरमौर चौराहा रमा गोविंद पैलेस, थर्ड फ्लोर, रीवा। अगर आप रीवा में किसी धार्मिक स्थल घूमने जा रहे हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि आपको नहीं पता उस स्थान में ऐसे दरिंदों का एक समूह हो सकता है जो आपको किसी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। तो चलिए हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। रीवा जिले के गुर थाना क्षेत्र की भैरव बाबा पहाड़ी से शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। आधा दर्जन लोगों ने दरिंदगी के हद को पार करते हुए पति के साथ घूमने आई महिला के साथ पति के सामने ही सामूहिक दुष्कर्म के वारदात को अंजाम दिया है। काफी देर तक पति पत्नी दंपत्ति दरिंदों के चंगुल में रहे। वहीं पुलिस सरकार के सामने अपनी साख बचाने के लिए 21 अक्टूबर को हुई दिल दहला देने वाली इस घटना को बकायदा छुपाने में कामयाब रहे। आपको बता दें कि रीवा में 23 अक्टूबर को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के आयोजन बड़े ही भव्य रूप से मनाया गया है, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लेकर प्रभारी मंत्री, उप मुख्यमंत्री, यूं कहें तो मध्य प्रदेश शासन का पूरा कैबिनेट रीवा में मौजूद था। उक्त कार्यक्रम के चलते पुलिस ने दरिंदगी का मामला दबाए रही, जबकि 22 अक्टूबर 2024 को पीड़ित दंपत्ति ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद पीड़ित महिला को अस्पताल भिजवा दिया था, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। अभी तक आरोपियों की पहचान नहीं हो सकी है। जानकारी के अनुसार 21 अक्टूबर को दंपत्ति गुड़ थाना के भैरव बाबा पहाड़ी घूमने आए थे। दंपत्ति जोड़ा मंदिर के थोड़ा आगे पहाड़ी में नाले के पास बैठे थे। इस दौरान कुछ दूरी पर पार्टी कर रहे आधा दर्जन दरिंदे वहां पहुंच गए। उन्होंने युवक को धमकाया और उसकी पत्नी को पकड़कर दूसरी ओर ले गए। इस दौरान दो आरोपियों ने पति के सामने ही उसकी पत्नी के साथ दरिंदगी की। पति ने विरोध किया तो उसकी जमकर पिटाई की और वीडियो बनाकर धमकाया। आधा दर्जन आरोपियों ने घंटे भर से अधिक समय तक दरिंदगी की। किसी तरह उनके चंगुल से छूटकर दंपत्ति घर चले गए। 22 अक्टूबर को गुड़ थाने में पहुंचकर आप बीती बताई। 23 अक्टूबर को रीवा में रीजनल कॉन्क्लेव थी। इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कई मंत्री सहित देश भर से उद्योगपतियों को आना था। इनके सामने अपनी साख बचाने के लिए दो दिन तक पुलिस इस मामले को छिपाए रही। 21 अक्टूबर को घटना हुई और 22 अक्टूबर को पीड़ित दंपत्ति ने थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। अब घटना के दो दिन बाद पूरा मामला सामने आया तो मिल गया उद्योग सभी नौजवानों को। अगर पुलिस और प्रशासन ऐसे ही काम करती रही तो इंडस्ट्री आए ना आए, लेकिन अपने रीवा को क्राइम सिटी का मेडल जरूर आ जाएगा। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये गुड़ थाना क्षेत्र के कुड़िया नाला एक स्थान पड़ता है, वहाँ पे एक दंपत्ति वहाँ पे अपना समय व्यतीत करने गया था, सुनसान एरिया है। वहाँ पे 21 तारीख की बात है और दोपहर में वो लोग गए थे, और वहाँ पे एक ग्रुप लड़कों का पहले से ही कोई वहाँ पे खाना पीना उसका चल रहा था, पार्टी कर रहा था, और ये लोग उससे थोड़ा अलग जाके बैठे थे। और फिर उसके बाद पीड़ितों का कहना है कि जो लड़के थे वो उनके पास आए, जो पति है उसके साथ मारपीट करके उसको अलग ले गए हैं, और जो महिला है उसके साथ फिर तीन चार लोगों ने उसमें गलत काम किया है, और जिसके आधार पे, और उसके बाद पीड़िता ने ये भी बताया कि उसका वीडियो बनाया है और उसको वायरल करने का भी धमकी दिया, और जिससे डर के फिर वो लोग सीधे अपने पीड़ित अपने घर चले गए थे। अगले दिन फिर वो हिम्मत करके और पुलिस के पास आए थे, जिसमें तत्काल ही पुलिस ने सारी प्रारंभिक कार्रवाई के बाद इसमें उसी दिन 22 अक्टूबर को ही FIR दर्ज करके और टीम्स को लगा दिया था पतरसी में,
और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं सभी के द्वारा पर्यवेक्षण किया गया, घटनास्थल का निरीक्षण भी मेरे द्वारा भी किया गया और टीम्स लगी हुई थी, हमारे मुख भी लगे थे, तकनीकी साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे थे और उन्हीं के माध्यम से फिर हमको तीन चार हमने संदेह उसमें हिरासत में लिए हैं और जल्द ही बाकी जो संदेह हैं उनको भी हिरासत में लेने का प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही इस घटना को खुलासा किया जाएगा। ये तैयारी चल रही है, भर्ती उठी लगी है अपनी, ये सुलूक रही है, ये भाटा साटा भूल गया, आलू टमाटर दुनियादारी सब भूल चुका है, तैयारी चल रही है। राम रीवा जिले के भैरव बाबा क्षेत्र में एक दंपति जो नवविवाहित हैं और शायद कॉलेज के स्टूडेंट हैं, वो भैरव बाबा क्षेत्र में घूमने गए थे। वहां पर 5 आतताइयों ने पति को पेड़ से बांधकर और उसके सामने ही उस बिटिया के साथ सामूहिक बलात्कार किया। उसके बाद वो सोमवार को गली गली थाना थाना कार्यालयों में घूमती रही कि शायद मदद मिल जाए। उसी दिन मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव और डिप्टी सीएम और तमाम राष्ट्रीय से लेकर मध्य प्रदेश के नेता रीवा में इन्वेस्टर मीट कर रहे थे और व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे थे व्यापारियों के साथ। और वहीं वो लड़की गली गली न्याय मांगने की इच्छा के साथ गली गली घूम रही थी, लेकिन यहां की सरकार और जिला प्रशासन पूरी ताकत के साथ यह बात किसी को पता न चले इस पर फोकस कर रहा था और इसको रोकने की कोशिश कर रहा था। मैं रीवा जिले को किसी भी कीमत पर बिहार नहीं बनने दूंगी और हम लोग उस बिटिया को जब तक न्याय न मिले पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ेंगे। बेहद शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री ने उस बिटिया को जाकर उसके घाव पर मरहम लगाने की कोशिश नहीं करी, उसके न्याय दिलाने की कोशिश नहीं करी, बल्कि मामले को उल्टा दबाने की पुरजोर कोशिश इन्होंने की है। मैं ये बेहद शर्मनाक, निंदनीय और निहायत ही घटिया कृत्य है, मैं इसकी निंदा करती हूँ। मध्य प्रदेश को रेप कैपिटल तो आपने बनाया ही था, पर रीवा को आपने बिहार बनाने की कोशिश की है, ये भी बहुत घृणित कृत्य है। और मैं इनसे मांग करती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके उस बिटिया को और उस परिवार को, पीड़ित परिवार के घाव पर मरहम लगाइए, उनके घर जाइए और निर्भया फंड सरकार ने बनाया था, मनमोहन सिंह की सरकार ने, उस फंड की आप बंदर बांट कर रहे हैं लेकिन न्याय दिलाने के लिए आप कोई काम नहीं कर रहे हैं। और यह जो कृत्य आपने किया ये बहुत ही ज्यादा दुखद है और पूरा रीवा जिले के साथ हम सभी शर्मसार हैं कि हमारे यहां भी इस तरीके की घटनाएं होने लगी। मैं बेटी को न्याय मिले इसके लिए पुरजोर पूरी ताकत के साथ कोशिश करूंगी।